Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. भारतीय रिजर्व बैंक अब 100 रुपए का नया नोट जारी करने वाली है, लेकिन नए नोट को जारी करने में फिर से सरकार को करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। जानकारी के मुताबिक नए नोटों की वजह से देश के 2.5 लाख मशीनों को रिकैलिब्रेट किया जाएगा। ऐसा करने के लिए ही करोड़ों रुपए खर्च करने होंगे। नोटबंदी के बाद यह तीसरी बार होगा जब मशीनों को रिकैलिब्रेट किया जाएगा। आपको बता दें, नोटबंदी के दौरान भी 200, 500 और 2000 रुपए के नोट छापने में भी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। कैश लॉजिस्टिक फर्म और एटीएम सर्विस प्रोवाइडर ने कहा है कि इस रिकैलिब्रेशन में अभी समय लग सकता है। दोनों ने आरबीआई और सरकार से भी बात की, जिसमें कहा गया है कि नोटों की पर्याप्त सप्लाई पहले से बताई जाए ताकि नकदी की कमी न हो। 100 रुपए का नया नोट बैंगनी कलर का होगा। इस नोट पर गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित बावड़ी रानी की बाव का चित्र होगा। जानकारी के मुताबिक 100 के नोट पर ज्यादा रुपए खर्च होंगे, क्योंकि इसकी साइज भी अन्य नोटों से अलग होगी, इसलिए उसकी प्रिंटिंग का खर्च भी अलग होगा। सरकार नोटबंदी के बाद से 4 नोट जारी कर चुकी है, जिसमें 2000, 500, 200 और 10 रुपए का। लेकिन अब 100 रुपए का नोट भी बाजार में आने वाला है। अब तक जारी किए गए नोटों पर जून 2016 से जून 2017 के बीच 7,965 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2015-16 में 3420 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। एक आरटीआई के मुताबिक 2000 के एक नोट पर 3 रुपए 54 पैसे और 500 रुपए के नोट पर 3.9 रुपए खर्च हुए। वहीं जनवरी 2018 तक आरबीआई 200 रुपए के नोट की छपाई पर 522 करोड़, 2000 के नोट पर 1293 करोड़, 500 रुपए के नोट पर 4968 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।